हाँ भाई, बॉयलर वाला टॉपिक वैसे तो लाइव चैनल के अंदर यूट्यूब पे बनाया था, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें मुझे लग रहा था कि ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही थी। वीडियो कईयों को इशू आ रहा था कि सर कि थोड़ा सा लिंक का प्रॉब्लम है, या तो चलो अपन दोबारा इसमें और बना लेते हैं। और मुझे ग्रुप में कमेंट करके बताना कि ये तरीका ज़्यादा आप लोगों को सही लग रहा है या दूसरे वाला, ताकि हम उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो बॉयलर्स क्या हैं? हमें पता है बॉयलर्स क्या होते हैं, बता दिया था वैसे लेक्चर में। बॉयलर्स एक क्लोज वेसल्स हैं जहाँ पर फ्यूल सोर्सेज या इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट पानी को हीट करते हैं, हीट पानी को गर्म करते हैं और स्टीम को जनरेट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, कोई भी हम लोग, हमें वैसे पता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट चीज़ होती है, मतलब कोई भी इक्विपमेंट है, वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो बॉयलर के केसेस में भी ऐसा होता है, बॉयलर्स होते हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं होते, उनके अंदर भी वेस्ट मटेरियल है। जैसे इसमें लिखा भी, देर इज़ नो सच थिंग एज 100% एफिशिएंट बॉयलर। अराउंड 20% ऑफ ऑल हीट जनरेटेड इज लॉस्ट अप द चिमनी। मतलब क्या है, 20% जो हीट जनरेट होती है वो लॉस्ट हो जाती है चिमनी के थ्रू। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस ना हो, प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने ऑपरेट ना किया हो, तो 30% तक वेस्टेज हो जाती है। ये हमें पता है कि हम लोगों को कोई भी चीज़, जैसे आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि 100% एफिशिएंट का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ को, अगर हमें कोई चीज़ 10 चाहिए, अगर वो थ्योरेटिकली 10 है तो वो प्रैक्टिकली 70 या 80 ही मिलती है। तो इसीलिए हमें 20% या 30% वेस्ट को मान के ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अलावा बाद में क्या है, फंक्शंस क्या है, मेन यही है कि बॉयलर्स के फंक्शन यही होते हैं कि स्टीम को जनरेट कराना, पानी को गर्म करवाना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हमें क्या होता है, टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है, चाहे पीलिंग के लिए बात करो, चाहे हीटिंग के, पास्चराइजेशन के लिए, स्टेरलाइजेशन के लिए, स्प्रे ड्रायर्स की बात करें, ठीक है, ड्राइंग के अंदर लगभग हर जगह चाहिए होता है। तो कई जगह तो हम लोग सीधा इलेक्ट्रिक मीडियम का यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई जगह में गर्म पानी या स्टीम जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हीट एक्सचेंजर्स हैं हमारे, शेल एंड ट्यूब टाइप हो गया, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स हो गया। ठीक है, तो बॉयलर्स का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अकेला सिर्फ फूड के अंदर ही नहीं, दूसरी इंडस्ट्री में नहीं, फूड में भी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, इफ़ द बॉयलर इज ओवर साइज, अगर मैं ये लेक्चर में बताया था कि बॉयलर अगर ओवर साइज होगा तो उसका हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। इसीलिए जब भी सिलेक्शन की जाती है बॉयलर्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बॉयलर को हम लोग ध्यान से रखें। ओवर साइज बॉयलर का नुकसान क्या है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि कार है और एक ट्रक है, दो आदमी लोग जाने हैं, खाली जाना है, तो हम लोग अगर कार की ज़्यादा लें तो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रक, क्योंकि वहाँ पर हम लोग फूल फ्यूल क्या है वो ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट हमें है ही नहीं। ऐसे ही अंडर साइज़ का मतलब क्या है, अंडर साइज़ का मतलब है कि हम लोग, अगर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर स्प्रे ड्रायर है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रे ड्रायर आपने बना लिया, उसकी कैपेसिटी बना ली, काफ़ी हाई कैपेसिटी का बना लिया, लेकिन अगर उसके साथ आपने उसको मैच करता हुआ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने बॉयलर भी नहीं लिया, तो आपके उस चैम्बर को कितना मर्जी बड़ा बना लो, कितना बढ़िया ऑटोमाइज़र लगा लो, इवेपोरेटर्स कितने बड़ी इफेक्टिव लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हीटिंग जो सिस्टम है, जब हमें रिक्वायर्ड हीट ही नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग इतना बड़ा चैम्बर वगैरह कोई काम नहीं देगा हमें। ठीक है, तो उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, सॉलिड है, ऑयल है, गैसेस है। ठीक है, कोल हमें पता है क्या चीज़ है, वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, हस्क वगैरह, वुड होगी, ऑयल होगी, इलेक्ट्रिक मीडियम, गैस मीडियम। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स, द बॉयलर में भी क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, एक्सटर्नली फायर्ड, इंटरनली फायर्ड, फॉर सर्कुलेशन, इंटरनल फायर्ड, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फॉर सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन। ठीक है, स्टेशनरी है या पोर्टेबल है, सिंगल ट्यूब है या मल्टीपल ट्यूब्स है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, जैसे इसके अंदर आप लोगों के हैं फर्स्ट जो इसके अंदर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल है। हॉरिजेंटल जैसे इसमें दिया हुआ है कि हॉरिजेंटल का मतलब है कि जो वाटर कंटेनर है बॉयलर का, ठीक है, वो किस एक्सिस के ऊपर है, वर्टिकल पोजीशन में है, हॉरिजेंटल पोजीशन में है, या इंक्लाइन पोजीशन में है। ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के बॉयलर्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल होते हैं फायर ट्यूब के, आप लोगों को बताया था,
कॉकरेन, लेंसर, लोकोमोटिव बॉयलर्स, ठीक है, वाटर ट्यूब के अंदर है बैबकॉक एंड विलकॉक्स, सिरलिंग, यारो बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड और इंटरनली फायर्ड। एक्सटर्नली फायर्ड यानी बैबकॉक, विलकॉक्स बॉयलर हैं, ये क्या होते हैं? एक्सटर्नली फायर्ड, इंटरनली फायर्ड मतलब जहाँ पर आग, जैसे आप लोगों को बताया था चूल्हे के अंदर अगर आप आग जला के पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं, वो क्या है? एक्सटर्नली फायर्ड हो गया। और हमारे घरों में जो पानी पानी गर्म करने वाले जो गैस गीजर हैं, वो क्या होते हैं? उसमें इंटरनली फायर्ड होते हैं। फोर्स सर्कुलेशन यानी फोर्स जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप में है, ठीक है। उसके अलावा जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, फोर्स सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन इसके अंदर क्या है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये है, ये कौन सा है? एक्सटर्नल फायर्ड है, ठीक है। और अगर आप बात करें ये है क्या है, यहाँ पर क्या है? आर्टिफिशियल फ्लो है। उसके बाद है हाई प्रेशर, लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब है, हाई प्रेशर बॉयलर्स कौन से हैं? जहाँ पर प्रेशर काफ़ी हाई चाहिए होता है, जो प्रेशर हाई जनरेट करते हैं वो उनको बोलते हैं हाई प्रेशर बॉयलर्स। लो प्रेशर बॉयलर्स वो बॉयलर्स हैं जो लो प्रेशर को जनरेट करते हैं, ठीक है। और जैसे हाई प्रेशर में कौन से आते हैं? बैबकॉक विल्सन आता है, बेंसन बॉयलर आता है। अगर लो प्रेशर की बात करें वो कॉकरेन, कॉर्निश, लेंसशायर, लोकोमोटिव बॉयलर्स, ये कई तरह के बॉयलर हैं। उसके अलावा स्टेशनरी एंड पोर्टेबल। स्टेशनरी एंड पोर्टेबल का मतलब क्या है कि एक तो वो जो लैंड के ऊपर फिक्स कर दिया अपने, उस तरह के बोलेंगे स्टेशनरी। पोर्टेबल का मतलब है जो मोबाइल है, मूविंग है एक जगह से दूसरी जगह, उस टाइप के बॉयलर्स को बोलते हैं पोर्टेबल बॉयलर, जैसे जो लोकोमोटिव्स के अंदर लगा होता है, ठीक है, इंजन्स वगैरह की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो आपके डायग्राम्स के अंदर भी है, इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल हीट और ये फर्नेस लगी हुई है, और जो ये साइड में वायर्स हैं यानी पानी की ट्यूब्स हैं, ये वेफल्स। वेफल्स आप लोगों को बताया था कि डायरेक्शन देता है, जो गर्म हवाएं हैं उनको डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इनका यूज़ किया जा सके। ऊपर जो पानी है वो होल्ड किया हुआ है, पानी ग्रेविटी से इसके अंदर नीचे आता है, और ग्रेविटी से नीचे इसके अंदर आता रहता है, और सर्कुलेशन इसका नेचुरल सर्कुलेशन होता है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक ये पूरा वेल लेबल डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर इंस्पेक्शन डोर, ये टाइप है बैबकॉक विलकॉक्स टाइप ऑफ इसको बोलते हैं, वाटर ट्यूब्स, पानी इसके अंदर देखो दिखाया हुआ है कि इसके अंदर पानी भर रहा है, देखो डार्क ब्लू कलर की हो रही है, ठीक है। अपटेक हेडर, वहाँ से पानी नीचे आ रहा है और वहाँ पे पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक टाइप नेचुरल सर्कुलेशन है, बबल फॉर्मेशन होगी। उसके बाद स्टीम ड्रम, इसको बोलते हैं स्टीम ड्रम, ठीक है। स्टीम ड्रम से क्या है, हीट जनरेट होनी शुरू होगी है, और स्टीम जनरेशन होने के बाद इसके अंदर क्या होता है कि जो पानी है बॉयल होता रहता है और धीरे धीरे वो स्टीम जनरेट करता है। इसके अंदर एक सेफ्टी वाल लगा होता है जो सेफ्टी को मेंटेन रखता है। सेफ्टी का मतलब है कि हाई प्रेशर, अगर उसकी लिमिट से प्रेशर हाई हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर वो प्रेशर अपने आप खुल जाएगा, जैसे कुकर में सीटी का काम होता है। मड बॉक्स, मड बॉक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई इम्प्योरिटी या कुछ ऐसी चीज़ है जो कचरा वगैरह अगर इकट्ठा हो गया है तो वो इसके अंदर हैवी ग्रेविटी के हिसाब से इकट्ठा इसके अंदर होता रहता है। सुपर हीटर ट्यूब्स, सुपर हीटर ट्यूब्स होती हैं ये, जो अपना इसको हीट करने के लिए हेल्प होती रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा तो ये एक वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, वाटर ट्यूब बॉयलर, बैबकॉक विल्क्स। अब ये है फायर ट्यूब बॉयलर का लोकोमोटिव बॉयलर टाइप का एग्जांपल है, जिसके अंदर क्या है कि जो ये एरोज दी हुई हैं फायर ट्यूब्स की, जहाँ पे ट्यूब्स हैं वहाँ पर फायर जो फ्लू गैसेज है वहाँ से पास होती हैं। और ये ब्लू कलर का मतलब है कि यहाँ ये ट्यूब्स हैं, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, ठीक है। एक तरह से जो हमारा ट्रेन का इंजन है उसका वो कैसे काम करता है, स्टीम इंजन, कुछ उसी तरह उस वो ही एक एग्जांपल है लोकोमोटिव बॉयलर, इसीलिए उसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें एक डिफ्लेक्टर होता है जो फ्लू गैसेज को डिफ्लेक्ट करता है, उसको उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है। स्मोक बॉक्स होता है, फायर हॉल होता है जहाँ से आग को जलाया जाता है। ये इंटरनल इंटरनल कम्बशन टाइप ऑफ बॉयलर है, मतलब इंटरनल फायर है इसके अंदर, और
एयर पास की जाती है एयर ऑक्सीजन के लिए। सुपर हीटर हैडर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, बाहर एक आउटर शेल होती है। अच्छा, इनके साथ ये लो प्रेशर टाइप ऑफ बॉयलर होते हैं ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि यहाँ पर जो स्टीम जनरेशन है वहाँ पर वो क्या होती है, ड्राई स्टीम नहीं हो पाती सुपर, और मतलब ड्राई स्टीम नहीं होती ठीक है, मॉइस्चर मॉइस्ट हीट होती है। सेकंड इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना पानी, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब्स हैं वो पानी में डिप हैं, और इसके कारण क्या है कि प्रेशर है उसको जनरेट करने में होने में टाइम लगता है। उसके अलावा सेफ्टी वाल्व, विसल, विसल का काम क्या है, जैसे वो क्या करे, हमारा जो प्रेशर है वो अगर प्रॉपर तरीके से हाई हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। कई बार क्या होता है कि दोनों ही टाइप ऑफ बॉयलर्स के अंदर सेफ्टी वाल्व ज़रूर होता है, वैसे हर टाइप के बॉयलर में सेफ्टी वाल्व की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार स्टीम एकदम से कम की ज़रूरत पड़ जाती है और हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता है, हमें एकदम से हमारे पास प्रेशर बना रहा होता ज़्यादा, लेकिन एकदम से रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो उसके कारण प्रेशर हाई हो जाता है। तो सेफ्टी वाल्व इस ब्लास्ट होने से बचाते हैं। सो ये एरोज़ हैं, ये बता रही हैं कि पहले फायर को बर्न करते हैं। तो जो देखो ये एरोज़ हैं, ये बता रही हैं कि जो फ्ल्यू गैसेज हैं वो कहाँ से जा रही है, ट्यूब्स में से जा रही है ठीक है। और जिसके कारण जो साइड वाला पानी है, जैसे कि पानी, क्योंकि आपको बताया कि पानी का अंदर प्रेशर आने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये जो ट्यूब्स हैं पहले ये गर्म होती हैं, धीरे धीरे पानी को बॉयल करते हैं, जैसे घर में रोड से आप पानी को गर्म करते हैं ठीक है, वही सिस्टम कुछ इसके अंदर होता है। अब देखो ये रेड कलर हो गया, इट मीन्स है पानी इसके अंदर गर्म होना शुरू हो गया है। और प्रेशर यहाँ पर पानी और स्टीम का जो चैम्बर सेम होता है ठीक है, एक ही जगह होता है, और ये मतलब दोनों सिस्टम एक ही शेल के अंदर हो रहे होते हैं, तो उसके कारण क्या है कि जो अपना प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं इसके अंदर आ पाता ठीक है। तो ये एक वर्किंग होती है किसकी, अपने जो फायर एंड ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर्स की। ये भी एक टाइप एग्जांपल है इसका, अपना फायर ट्यूब टाइप का ठीक है, कॉकरेन बॉयलर ठीक है, जिसके अंदर टैप लगी हुई है, सिंपल वर्टिकल टाइप ऑफ बॉयलर है। इसके अंदर भी स्मोक बॉक्स है, चिमनी है, और यहाँ पर फायर जब हम लोग बर्न करते हैं, चारकोल वगैरह को बर्न करते हैं, इसको फायर बॉक्स भी बोल देते हैं, फर्नेस भी बोल देते हैं इस एरिया को। और जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो क्या होगा, ही जो फ्ल्यू गैसेज हैं वो ऊपर जाएंगी ट्यूब्स के अंदर से ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, वो हॉरिजेंटल टाइप में हो जाता है और ये वर्टिकल टाइप में हो जाता है ठीक है। तो दोनों का वर्किंग है बिल काफ़ी सेम होती है। कंपैरिजन बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब ठीक है। कंपैरिजन क्या है वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब जो बॉयलर हैं वो माने जाते हैं हाई प्रेशर बॉयलर्स के अंदर, और यहाँ पर प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू वाटर सॉरी फायर ट्यूब बॉयलर्स के ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर जो पानी है वो ट्यूब्स के अंदर पानी होता है, आउटसाइड में गैसेस होती है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर जो फ्ल्यू गैसेस है वो पाइप्स के अंदर होती हैं और साइडों में अराउंड वाटर होता है, मतलब आउटसाइड वाटर इनसाइड फ्ल्यू गैसेस ठीक है। और उसके अंदर इस चीज़ का उल्टा होता है, जैसे ही दिखाया जा रहा है फर्नेस है, ये आप लोगों के डायग्राम है, ये डायग्राम भी बना सकती हो, ये भी वाटर ट्यूब फायर ट्यूब सॉरी फायर ट्यूब का और वाटर ट्यूब का ये इजी डायग्राम है अगर आपके पास नोट्स में है वैसे तो, लेकिन अगर ये बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो, एग्ज़ाम में आने की पूरे चांसेस होते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर या फायर ट्यूब बॉयलर्स में से एक ठीक है। उसके अलावा कंपैरिजन है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, प्रेशर है, फायर ट्यूब बॉयलर है केवल 25 बार पे करता है जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर है वो 125 बार तक इसके अंदर प्रेशर जनरेट किया जा सकता है ठीक है। उसके अलावा क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर कोई भी पानी ट्यूब्स के अंदर नहीं होता, तो इसलिए स्केल डिपोजिशन के चांसेस कम होते हैं ठीक है, और ओवर हीटिंग के या ब्रस्टिंग के चांसेस कम रहते हैं एज कम्पेयर टू वाटर ट्यूब के ठीक है। वाटर ट्यूब के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके अलावा हाई प्रेशर पे काम करने के कारण वाटर ट्यूब के अंदर जो ब्लास्ट होने की या रिस्क चांस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फायर ट्यूब के। फायर ट्यूब लो पे काम करता है स्टीम जनरेशन पे, इसलिए यहाँ पे रिस्क जोन कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर के। फायर ट्यूब बॉयलर हैं सूटेबल नहीं होते हैं लार्ज पावर प्लांट, जहाँ पे लार्ज प्रेशर चाहिए वहाँ पे सूटेबल कम होते हैं, पर वाटर ट्यूब बॉयलर हैं
ये लार्ज पावर प्लांट में ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर्स की इसीलिए क्या होती है, जो एक्स की इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर के। उसके अलावा फायर ट्यूब बॉयलर्स के लिए लेस स्किल्ड या वो चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब के। वाटर ट्यूब में जो स्किल्ड बंदे हैं, केयरफुल अटेंशन चाहिए, एफिशिएंट है, इकोनॉमिक वर्किंग ज़्यादा उसके अंदर, जो बंदे इन एनी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वो ज़्यादा इसके अंदर यूज़।